हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अनुप वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आज की क्लास में एक ऐसी ट्रिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिस ट्रिक के माध्यम से आप लोग सभी के सभी हेडक्वार्टर, जो महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर हैं, उनकी एक ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और इससे आपका कोई भी हेडक्वार्टर का क्वेश्चन आएगा, चाहे वो बैंक का हेडक्वार्टर हो या बहुत सारे महत्वपूर्ण संगठनों का हेडक्वार्टर हो, तो उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग वहां पर प्रश्न जरूर सही करेंगे। तो एक बार जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग इस सेशन को प्यारे विद्यार्थियों शेयर जरूर कर देंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी पर अगर अभी तक आप लोग बच्चे डाउट सेशन में, यानी कि अगर आपका कोई डाउट है, किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है, तो आपको करना क्या है, केवल एक इमेज लेना है, इमेज को क्रॉप करना है। और अनअकैडमी लर्नर ऐप पर आपका एक नया फीचर जुड़ा हुआ है, आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी, इस पर आप लोग सेंड कर सकते हो। जैसे ही आप लोग सेंड करोगे वैसे ही आपको इंस्टेंट इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक इसको यूज नहीं किए हैं, इसका प्रयोग नहीं किए हैं, इसका लाभ नहीं लिए हैं, वो सारे लोग इसका लाभ जरूर लेंगे। दूसरी चीज देखिए, अगस्त ऑफर चल रहा है, तो अगस्त ऑफर के तहत आप लोग देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन है SSC का सब्सक्रिप्शन लेने का मौका। SSC का अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। अगर आप 2 ईयर का लेते हो तो बच्चे 6 मंथ का सिर्फ फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, और आप देख सकते हैं केवल 5850। इसमें आप अगर 1 ईयर वाले में या 2 ईयर वाले में, जिसमें भी आप लोग अगर हमारा कोड का प्रयोग करेंगे, तो तुरंत यहाँ पर 10% ऑफ हो गए, यानी कि आपका यहाँ पर 850 ऑफ हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका 5000 के आसपास आ गया। फिर आपके क्वाइंस हो गए, क्वाइंस को भी रिडीम कीजिए तो और 5000 से नीचे लगभग 10% तक नीचे और भी हो जाएगा। तो एक बार जितने लोग भी जुड़े हुए हमारे कोड का प्रयोग करते हुए, चाहे कॉम्बो वाला है, कॉम्बो वाले में और जबरदस्त आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 1 ईयर पर 6 मंथ का और 2 ईयर पर आपको 12 मंथ का, यानी कि पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है फ्री एकदम। तो एक बार जल्दी से जितने लोग भी अगस्त ऑफर का लाभ नहीं लिए हैं, वो सारे के सारे विद्यार्थी अगस्त ऑफर का फायदा जरूर उठाएंगे, ठीक है भाई? याद रखना है, और कोड जरूर याद रखना है, ABCERTAIN कैपिटल लेटर में लिखना है भाई। ABCERTAIN कैसे लिखोगे यार, कैपिटल लेटर में लिखिए, रेफरल कोड बॉक्स में, और अप्लाई पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण, 1000 लकी विजेताओं को महाकॉम्बैट, महाकॉम्बैट मतलब समझते हैं ना, मेगा कॉम्बैट, ये 22 तारीख को एक टेस्ट होना है। इसमें 1000 लकी विजेता चुने जाएंगे। इसके अलावा अगर आप टॉप 4 में आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्पल का ये मिलने वाला है, आपको आईपैड मिलने वाला है, एयरपैड मिलने वाला है, स्पीकर है, अमेजन के वाउचर्स हैं, लेकिन आपको इनरोलमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। बगैर इनरोलमेंट के आपको इसमें पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। तो भैया ABCERTAIN कोड लगा करके, इनवाइट कोड लगा करके आप सारे लोग इसमें इनरोलमेंट फटाफट कर लीजिए, जिससे आप लोगों को निश्चित रूप से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और प्राइज जीतने का मौका मिले, ठीक है? अब कोड बच्चे किसी भी कोर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए, चाहे वो SSC है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो आपका UPSC है, या कोई भी कोर्स है, उसको आप लोग अगर अवेल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो ABCERTAIN कोड लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसमें कोई भी स्पेस नहीं देना है, कैपिटल लेटर में लिखना है और अप्लाई पर क्लिक करना है, ठीक है? देखिए आज की जो बहुत जबरदस्त ट्रिक हम लोग जानेंगे, वो सभी मुख्यालय जो वो हमें ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि आखिरकार कौन कौन से मुख्यालय कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। और ये आपका एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो डायरेक्टली पूछे जाए या वो इनडायरेक्टली पूछे जाए। इनडायरेक्टली का मतलब हो सकता है ऐसे सवाल आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, ऐसी भी आ सकता है। सीधे सीधे पूछ दिया गया भाई, स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, RBI का हेडक्वार्टर कहाँ, ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो इनकी एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है, बस ट्रिक आपको याद रखना है, ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया का मतलब यह है कि जिसके हेडक्वार्टर, यानी कि जो संगठन है, जिस संगठन के अंत में, मैं लिखे दे रहा हूं, जिस संगठन के अंत में ऑफ इंडिया लगा है, जिस संगठन के अंत में ऑफ इंडिया लगा है, उन सभी का हेडक्वार्टर मुंबई में। उन सभी का हेडक्वार्टर कहां है भाई, मुंबई में। फिर से एक बार मैं रिपीट किए दे रहा हूं, जिस संगठन के अंत में ऑफ इंडिया लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, ऑफ इंडिया, वो सभी हेडक्वार्टर कहां स्थित होंगे, मुंबई में, ठीक है भैया? इतनी बात सबको क्लियर हो गई, चलो देखते जाते हैं भैया। मैंने ये कह दिया, आप इसको प्रूव कैसे करते हैं, देखो SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
तो देखिए यहां पर भी ऑफ इंडिया निकल के आया, यहां पर भी ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफ इंडिया निकल के आया, तो हेडक्वार्टर कहां हो गया भैया, मुंबई में। आरबीआई में भी देखिए ऑफ इंडिया निकल के आया, तो हेडक्वार्टर कहां पर हो गया, यहां पर भी ऑफ इंडिया निकल के आया यार, तो ये भी हेडक्वार्टर कहां हो गया, मुंबई में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को देखिए, यहां पर भी ऑफ इंडिया निकल के आया, तो हेडक्वार्टर कहां हो गया, मुंबई में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसको शॉर्ट में हम लोग यार सीबीआई भी बोल देते हैं, तो बैंकर्स हैं वो अक्सर सीबीआई बोलते हैं, सीबीआई मतलब ये वो वाला सीबीआई नहीं, जांच वाला, ये सीबीआई बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आपका हो गया मुंबई में। फिर है आपका बैंक ऑफ इंडिया, तो देखिए यहां पर भी ऑफ इंडिया लगा हुआ है यार, बैंक ऑफ इंडिया पूछा जाएगा, तो ये भी आपका मुंबई में हो गया। फिर है आईडीबीआई, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी मुंबई में, तो यहां पर भी बच्चे ऑफ इंडिया लग गया यार, यहां पर भी आपका ऑफ इंडिया लग गया, तो ये भी मुंबई में चला गया भाई। फिर है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी भाई आपका हो गया मुंबई में। फिर है आपका जीआईसी, जीआईसी का मतलब होता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी आपका ऑफ इंडिया लग गया, तो ये भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुंबई में हो गया। तो अब यहां पर एक चीज जरूर याद रखना है, ये जो एलआईसी है इसकी स्थापना 1956 में होती है और जीआईसी की बहुत बाद में 1972 में होती है। हम लोग कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, घर कुछ भी खरीदते हैं, कोई भी ऐसे, तो हम लोग जब बीमा कराते हैं तो कहां से कराते हैं भाई, जनरल इंश्योरेंस से, और अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए बीमा कहां कैसे कराते हैं, तो एलआईसी से कराते हैं। तो ये आपकी एक ट्रिक है कि जिन संगठनों के अंत में ऑफ इंडिया लगा हुआ है वो सारे के सारे हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित हैं। लेकिन एक अपवाद भी है, एक अपवाद सबसे महत्वपूर्ण है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये ऑफ इंडिया भैया लगा हुआ है लेकिन इसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर प्यारे विद्यार्थियों कहां है यार, कोलकाता में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कोलकाता में, यानी कि ये एक एक्सेप्शन है जिसके अंत में लगा हुआ है ऑफ इंडिया और उसका हेडक्वार्टर बच्चे स्थित नहीं है मुंबई में, वो आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हो गया। अब ऐसा मत करना भैया, यूबीआई से याद करो यार, लेकिन यूबीआई से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर तो है मुंबई में लेकिन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नहीं है मुंबई में, याद रहेगा सारे लोगों को, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। देखो ऐसे आप लोग इजिली याद कर सकते हो, एसबीआई, यूबीआई, आरबीआई, सीबीआई, ठीक है, आईडीबीआई, ठीक है, उसके बाद में बीओआई मतलब बैंक ऑफ इंडिया, फिर एलआईसी, फिर जीआईसी, ठीक है, याद रहेगा। तो कितने हमने गिना है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब यहां पर गिन लोगे भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, याद रहेगा, एसबीआई, आरबीआई, यूबीआई, सीबीआई, आईडीबीआई, बीओआई, एलआईसी, जीआईसी, याद रहेगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन सभी के हेडक्वार्टर आपके मुंबई में स्थित हैं। क्यों स्थित हैं, क्योंकि इनके अंत में ऑफ इंडिया लगा हुआ है। तो एक ट्रिक हो गई भैया, ऑफ इंडिया जिन संगठनों के अंत में लगा है उनके जो मैंने नाम यहां पर दिए हैं उनके सभी के मुख्यालय कहां पर हैं, मुंबई में स्थित हैं। लेकिन एक अपवाद है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, ऑफ इंडिया लगे होने के बावजूद भी। क्लियर हो गए, तो मजा आया होगा ट्रिक में, इससे आपको बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करने में निश्चित रूप से आसानी रहेगी। तो भैया जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हो, अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, मेरे प्लस क्लासेस से जुड़ना चाहते हो, तो एक बार ABSIR10 कोड लगाइए और फटाफट से आप सभी लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए, तो यहाँ पर डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलने वाला है। दूसरी चीज, ABSIR10 आप लोग कैपिटल लेटर में बच्चे प्रयोग कीजिएगा। कैपिटल लेटर में जब आप लोग प्रयोग करेंगे तो इसमें स्पेस नहीं देना आपको, और रेफरल कोड बॉक्स में लिख करके क्लिक जरूर करना है अप्लाई पर, जिससे आप लोगों को डिस्काउंट हो जाएगा। अब अगर ऐसा नहीं है कि केवल SSC के लिए, SSC, बैंक, रेलवे, UPSC किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए, बस कोड लगा दीजिए यार ABSIR10, फटाफट से सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ना शुरू कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। अनअकैडमी का न्यू फीचर है,
ये आपके अनअकैडमी लर्नर ऐप पर नया ऐड हुआ है, इसमें आप अगर कोई भी डाउट है उसका इमेज लीजिए, क्रॉप कीजिए, सेंड कर दीजिए, इंस्टेंट आंसर आपको वहां पर मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगस्त ऑफर चल रहा है भैया, देखो SSC का एक साल का सब्सक्रिप्शन लोगे 3 महीने का फ्री, 2 साल का लोगे तो बच्चे 6 महीने का फ्री, SSC बैंक कॉम्बो लोगे तो 1 साल पर 6 महीने, 2 साल पर 12 महीने फ्री, और आप लोग अगर मेरा कोड का प्रयोग करोगे ABSIR10 तो यानी कि फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा और इस कोड से आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो बिल्कुल लाभ उठाइए भैया, अगस्त ऑफर हाथ से मत जाने दीजिए, पढ़िए। ऐसा मत सोचा करो विद्यार्थी हम बहुत सारी फ्री क्लासेस कर लेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन रणनीति नहीं है तो सिलेक्शन नहीं है, जहां रणनीति है वहां सिलेक्शन बहुत जल्दी है। ठीक है, रणनीति अपनाइए, 6 महीने से लेकर के 1 साल के भीतर कई सारे सिलेक्शन लीजिए और कॉम्बैट जरूर दीजिए। कॉम्बैट अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं दिया है तो ABSIR10 कोड लगा करके भैया फटाफट इनरोलमेंट कर लो यार, जल्दी से इनरोलमेंट कर लीजिए। इनरोलमेंट करोगे तभी इस महाकॉम्बैट मेगा कॉम्बैट में, महाकॉम्बैट हम लोग बोलते हैं, मेगा कॉम्बैट में भाग लोगे। 1000 विजेताओं में से नाम अपना लाइए और भैया देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ प्राइज भी जीतिए, 50 मिनट में 40 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, अपना नाम यहाँ पर दर्ज कराइए, सारे लोगों को इनवाइट कोड ABSIR10 से आप लोगों को इनरोलमेंट जरूर करना है। दूसरी चीज, कोड कभी भी मेरा प्रयोग करो, चाहे सब्सक्रिप्शन के लिए चाहे कॉम्बैट के लिए, किसी भी चीज के लिए हमेशा कैपिटल लेटर में भैया प्रयोग करो, और आप लोगों को यहाँ पर कैपिटल लेटर में प्रयोग करके स्पेस नहीं देना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, दूसरी चीज, सेशन अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना कोई भी विद्यार्थी बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो ये ट्रिक निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत उम्दा लगी होगी, समझ में आई होगी, जिससे बहुत सारे आपके हेडक्वार्टर तैयार हो गए होंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर से आपके साथ में एक नई जानकारी के साथ में, एक नई ट्रिक के साथ में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।